उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आईजी प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने यातायात माह का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में नवनिर्मित कोतवाली प्रभारी निरीक्षण के ऑफिस की ओपनिंग करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बॉर्डर के थानों में चौकसी बरती जाएगी, जहां बाहरी जनपदों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, जिससे कानपुर देहात के घाटमपुर में हो रहे चुनाव को किसी तरह की लापरवाही न हो सके। जिले से लगे दो थाना क्षेत्रों के बॉर्डर को सील किया जाएगा। वहीं लव जिहाद को लेकर कहा कि सबसे पहले बच्चों के गार्जियन उन बच्चों को संभालें जो गलत दिशा में जा रहे हैं। उन बच्चों को यह बताएं कि नाबालिग अवस्था में गलत कदम जो जल्दबाजी में उठा लेते हैं, उसके लिए जागरूक करके कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा सके। और उन बच्चों को यह भी बताएं कि जिसके साथ वह चले जाते हैं लेकिन आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके लिए गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जिले के बांदा सागर मार्ग में बिना नंबर के ट्रकों से ओवरलोडिंग के लिए नंबर प्लेट में खेल को देख आईजी ने निर्देशित किया है कि इसके लिए एसपी और डीएम साहब पूरे मामले को देखते, अगर इस तरह से कोई खेल करता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराई जाएगी और जिन गाड़ियों को ओवरलोड देखा जाएगा उन लोगों की गाड़ियों को खदान के बाहर रोक कर अंडरलोडिंग कर जाने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने जिले के प्रमुख चौराहों में कैमरे लगाए जाने के बारे में कहा कि शासन को पत्र लिखकर बात की जाएगी जिससे चौराहों में कैमरे लग सके और उन प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगवाएंगे जहां से अपराध पनपता है और उन्हें चिन्हित किया जाएगा। मां कानपुर देहात से भी लगी हुई क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ये देखिए, कल चुनाव है, उपचुनाव है और हमारी जो सीमा लगती है घाटमपुर से जहानाबाद की और चाँदपुर की, उन सीमाओं पर हमने 24 घंटे के लिए टिकट लगा रखी है और कोई भी आदमी या वाहन बिना चेक हुए नहीं जाएगा। कल सुबह जब 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके पहले ही हमने 24 घंटे पहले से ही हमारी चेकिंग शुरू हो गई है और हम किसी भी अपराधी तत्व को या अराजक तत्व को इस सीमा से कानपुर देहात की सीमा में नहीं प्रवेश करने देंगे। दूसरा सवाल है,